हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है प्राइमा एग्रो लिमिटेड है। प्राइमा एग्रो लिमिटेड है। प्राइमा एग्रो लिमिटेड की बात कर देखिए, 3.44% बढ़त के साथ 27.10 रुपये पे चल रहा है। देखा है तो इसका मार्केट कैप देखा तो 14.1 करोड़ का मार्केट कैप है, तकरीबन 14 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस देखा 27.10 रुपया है और हाई लगाया 33.60 रुपये का, लो लगाया 21.80 रुपये का। तो देखा जाए तो ये अभी कम प्राइस पे मिल रहा है, इसके कंपटीटर बहुत हाई कंपटीटर है। तो देखा जाए तो इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू से देखा जाए तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट दे सकता है। तो उसके पहले पूरी एनालिसिस करते हैं, चैनल पर न तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए चलते हैं, पहले देखते हैं इसके कंपटीटर कौन कौन से। कंपटीटर में बात करें तो कंपटीटर में सबसे पहला कंपटीटर आपको देखने को मिलेगा जो है वो CDSL है। CDSL को कौन नहीं जानता, जो भी ट्रेडिंग करता है CDSL को जानते होंगे। रतन इंडिया इंटरप्राइजेज है, CMS है, SIS है, रेन इंडस्ट्री है, अच्छी अच्छी कंपनियां इसके कंपटीटर हैं। तो देखा जाए तो ये भी आगे चल के ग्रो कर सकता है और इसके करीब में जा सकता है, ये भी 300-400 करीब में जा सकता है। तो देखा जाए तो कोई भी शेयर छोटा नहीं, इसकी एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस बेस पे आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो एंट्री लीजिए, लगे आप यहाँ एनालिसिस में दम है तो एंट्री बना सकते हैं, अदरवाइज स्किप कीजिए। बहुत ज्यादा शेयर है तो पूरी एनालिसिस करना तो सीख सकते हैं हर शेयर की एनालिसिस करके। तो चलते हैं ईयरली रिजल्ट की। लॉन्ग टर्म व्यू में कभी भी आप एनालिसिस की जाए तो ईयर वाइज रिजल्ट आप एनालिसिस कीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस तो बेटर आपका रिजल्ट रहेगा। 2012 से डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो 2,38,00,000 का प्रॉफिट हुआ है 2012 में, उसके बाद माइनस में हुआ है 29,00,000 के करीब, फिर 26,00,000 प्रॉफिट हुआ, 35,00,000 प्रॉफिट हुआ। 2021 में 3,85,00,000 का प्रॉफिट हुआ, 2022 में 2,55,00,000 का, 2023 में 1,88,00,000 का प्रॉफिट हुआ, अभी 2023-24 में 1,69,00,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो देखा तभी तो प्रॉफिटेबल है, बट चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट क्या कहता है, बैलेंस शीट पे चलने से पहले देखते हैं इस बैलेंस शीट का डाटा 2012 से आपको देखने को मिलेगा। तो इक्विटी कैपिटल देखिए कितना है, 5,19,00,000। ओके, 5,19,00,000 से बढ़कर कितना, 5,20,00,000 हुआ इक्विटी कैपिटल, तकरीबन 1,00,000 के करीब में इक्विटी कैपिटल बढ़ा है। वहीं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो -19,23,00,000 जो रिजर्व एंड सरप्लस था, ये माइनस पूरा डायलूट खत्म करके कितना हुआ, 11,17,00,000। तो देखा तो 19,10,29,30,00,000 के करीब में ये प्रॉफिट इसको माने, इसे अच्छा खासा ग्रो मानेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि माइनस में जो 20 करोड़ के करीब में था वो बढ़ के 11 करोड़ हो गया। तो देखा तो अच्छा खासा इसमें रिजर्व एंड सरप्लस ऐड किया होते कंपनी की, एक अचीवमेंट है। वहीं 12वीं की बात करूँ तो देखिए 17,56,00,000 से घट के कितना हो गया है, 6,39,00,000। 12वीं भी कम हुआ, कर्जा कम हुआ इसका, तकरीबन 11 करोड़ का कर्जा कम हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस 30 करोड़ के करीब में ऐड हुआ है और इक्विटी कैपिटल देखा 1,00,000 के करीब में ऐड हुआ है। तो देखा ये तीनों अभी पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी कैपिटल और 12वीं। और एसेट की बात करते हैं तो एसेट में अगर आपको देखने को मिले तो एसेट में आपका कितना है, एसेट आपका 10,66,00,000 एसेट 2012 में था, फिर 7,19,00,000 और टोटल अभी तक देखा तो एसेट 25,89,00,000 के करीब में एसेट हो चुका है। वहीं प्रमोटर की हिस्सेदारी भी देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा है, प्रमोटर की हिस्सेदारी 2021 में कितना था, 36.19% था, जो बढ़कर 40.06% हुआ, फिर 40.11% हुआ, 40.13% हुआ। प्रमोटर की हिस्सेदारी देखा है तो हर साल तकरीबन बढ़ते जा रहा, अभी 40.15% प्रमोटर की हिस्सेदारी, 59.84% पब्लिक की हिस्सेदारी है। तो देखा जाए ठीक ठाक प्रमोटर की हिस्सेदारी है, तो अच्छा खासा प्रमोटर की हिस्सेदारी, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व आंसर प्लस कर्जा देखा तो ये तीनों चीजें पॉजिटिव में रही है। एसेट देखा जाए तो भी पॉजिटिव में रहा है। तो चलते हैं चार्ट पे भी एक बार नजर बना लेते हैं। उसके प्लस चैनल पर न तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चार्ट में देखा जाए तो ये अपना हाई लगाने के बाद नीचे की तरफ आया है, जब से ये नीचे की तरफ आया नीचे अभी घूम रहा है, बट देखा तो एक बेस बना रहा है, एक बेस बना रहा है। जैसे बेस बनाने का मतलब यहाँ पे बायर आ रहा है, बायर जितना ज्यादा आएंगे यहाँ पे उतने ज्यादा ये तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। तो जैसे ब्रेक करता है 32 के ऊपर जाता है फिर आपको देखना मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद 38 के करीब में जाएगा, उसके बाद देखा जाए तो फिर 48-50 के करीब में चला जाएगा। तो देखा जैसे ये बेस बना लेगा फिर ब्रेकआउट दे तो अच्छा खासा अपवर्ड की तरफ मूव देगा। तो इसमें इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।